हाय डियर स्टूडेंट, आज जो है मैं आप लोगों को लेसन थर्ड का जो है इवन के बारे में बताने जा रहा हूँ। डिस्कस इन ग्रुप योर हॉबीज। आप जो है अपने ग्रुप में यानी आप अपने सहपाठी से जो है डिस्कस करना है, उनसे वार्तालाप करना है एंड देन कम्प्लीट इवन भी और आप उनसे पूछ के जो है जो बताते हैं उनसे ये वो पूछ के जो है आपको फिलिंग ब्लैंक्स में भरना है। यानी क्या हुआ, डिस्कस द ग्रुप यानी आप जो है अपने वर्ग में जब जाते हैं तो अपने ग्रुप यानी आपके समूह पर जो भी सहपाठी है उनसे पूछना है कि वायर है गर्ल्स है ये इनके बारे में पूछना है। और जो बताते हैं उसमें क्या हुआ, इस ऑप्शन से अगर कोई दोनों में से कोई एक चूज करते हैं तो आप इसको हम लोग फिल कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन है आई एम ए वायर है कि गर्ल है। मैं हूँ बॉय की गर्ल, तो आप लोग क्या है कि गर्ल्स है, तो क्या लिखेंगे, गर्ल लिखेंगे। आई एम ए गर्ल, मैं एक गर्ल की हूँ, आई एम ए गर्ल। दूसरा है आई एम स्टडी इन क्लास, मैं वर्ग में अध्ययन करती हूँ या पढ़ती हूँ फाइव में या सिक्स में, तो आप लोग किस वर्ग में है, सिक्स में है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिक्स लिखेंगे। मैं छठे वर्ग में पढ़ती हूँ। आई एम फॉन्ड ऑफ, मैं शौकीन हूँ, किस चीज की शौकीन हूँ, खेलने के, गाने के, नाचने के, पढ़ने के, टीवी देखने के, आप किस चीज के शौकीन है। तो सबका क्या चॉइस जो होता है वो अलग अलग होता है, तो आपका क्या चॉइस है, खेलने का है, गाने का है, डांसिंग करने का है, रीडिंग का है, कि वॉचिंग टीवी का है, सब तो जो बताए उसको आपको लिख लेना है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया रीडिंग, मैं पढ़ने की शौकीन हूँ। अगला है आई डैश इन इवनिंग आफ्टर फिनिश माई होमवर्क, मैं शाम में क्या करती हूँ, मैं जो शाम जब हो जाता है तो मैं क्या करती हूँ, सोती हूँ कि नहाती हूँ। आई फिनिश माई होमवर्क करने के बाद से क्या करते हैं, आप सोते हैं कि नहाते हैं, शाम को अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें क्या हुआ, पढ़ने के बाद से क्या नहाएंगे सोएंगे, तो शाम को जो है वो नहाने का कोई है नहीं, इस समय क्या होता है हम लोग जो है थोड़ा आराम कर देते हैं। आराम कैसे करेंगे, सो जाएंगे, टेक स्लीप, आई टेक स्लीप, इसमें जो हम लोग फील करेंगे वो टेक स्लीप करेंगे। इन देखेंगे हम आई डैश लॉट ऑफ टाइम टू माई हॉबी, मैं अपने हॉबी के लिए अधिक समय लेना चाहती हूँ कि देना चाहती हूँ, तो मैं जो है अपने हॉबी के लिए वो समय लेना चाहती हूँ। टेक टू नहीं लिख सकते, लेना तो नहीं होगा, गिव होगा। आई गिव लॉट ऑफ टाइम टू माई हॉबी, मैं अपने हॉबी के लिए अधिक समय देना चाहती देती हूँ। आई वॉन्ट टू ग्रो बिग एंड बिकम हियर, मैं बड़े होके बनना चाहती हूँ। सिंगर या डांसर, तो आप क्या बनना चाहते हैं, सिंगर बनना चाहते हैं तो सिंगर लिखेंगे, और डांसर बनना चाहते हैं तो डांसर लिखेंगे, तो आप क्या बनना चाहेंगे उसको लिखने हम यहाँ पे लिख रहे हैं सिंगर। आई वॉन्ट टू ग्रो बिग एंड बिकम ए सिंगर, फिर यहाँ पे ट्रांसलेट द फ्लोइंग इनटू इंग्लिश, निम्नलिखित का जो है निम्नलिखित जो भी सेंटेंस दिया हुआ है उसको जो है अनुवाद जो है आपको इंग्लिश में करना। तो पहला है मुझे गाना गाना अच्छा लगता है, फर्स्ट क्या है मुझे गाना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है मुझे गाना गाना अच्छा लगता है, तो आई मुझे क्या हुआ यहाँ पे आई, लगना का क्या है आप लिखेंगे, यानी लगना अच्छा लगना यानी लाइक क्या होगा जी, पसंद करना या अच्छा लगना, बात एक ही है, टेंस को हम क्या बोलेंगे लाइक बोलेंगे, आई लाइक टू सिंग सॉन्ग, मुझे गाना गाना अच्छा लगता है, आई लाइक टू सिंग ए सॉन्ग।
दूसरा है मुझे कहानियां पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे कहानियां पढ़ना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, मुझे कहानियां पढ़ना अच्छा लगता है। आई आई लगना अच्छा लग रहा है, बताया है लाइक होता है, आई लाइक, आई लाइक क्या है ये पढ़ना, आई लाइक टू रीड क्या है कहानी, कहानी का क्या होता है स्टोरी होता है, इसका यहाँ पे कहानी है इसलिए यहाँ पे स्टोरी हो जाएगा, आई लाइक टू रीड स्टोरी। थर्ड क्रिकेटर बनना चाहता हूं, मैं बड़े होकर क्रिकेटर बनना चाहता हूं। तो पहले हम किसके लिखेंगे, बड़े होकर बीइंग ग्रोन अप, I want to, I want to be, बनने के लिए आपने क्या हुआ जी, बनने के लिए हम लोग बी का यूज करते हैं, being grown up I want to be cricketer, cricketer। तो आज जो है हमने जो है बताया फिल्म ने खेल जब लाइन्स बताया और ट्रांसलेट ऑफ नोइंग इनटू इंग्लिश, यानी इंग्लिश में निम्नलिखित को इंग्लिश में जो है बात करने के लिए बताया, इसको जो है आप लोग फेयर के नोटबुक में फेयर कर लीजिएगा और अगले दिन जो है मैं आप लोगों को इंग्लिश का जो है ट्रांसलेट, इंग्लिश में उसका ट्रांसलेट क्या हुआ, हिंदी में जो करने के लिए दिया हुआ उसके बारे में बताऊंगा, और इसमें जो भी आपको त्रुटि हो रहा है, इसमें जो भी आपको दिक्कत हो रहा है उसे जो है कमेंट बॉक्स में जो लिखे, अगले दिन जो है मैं उसका सलूशन करूंगा डायरेक्ट।